सो है गाइस, यदि आप YouTube पर एक क्रिएटर है और आपके YouTube वीडियो पर व्यू नहीं मिलते हैं तो आखिर वे कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से आपके YouTube वीडियो पर व्यू नहीं मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, YouTube पर जितने भी 90% क्रिएटर है सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि YouTube वीडियो पर व्यू नहीं मिलते हैं। सो यदि आपके भी यही प्रॉब्लम है कि YouTube वीडियो पर व्यू नहीं मिल रहे हैं तो आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए ऐसे तीन रीज़न बताने वाला हूँ। यदि आप इन तीन रीज़न का ख्याल कर लेते हैं, इसमें सुधार कर लेते हैं, तो हो सकता है आपकी जो YouTube वीडियो है उस पर व्यू मिलना शुरू हो जाए। सो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप नहीं सीख सकेंगे, नहीं जान सकेंगे कि YouTube वीडियो पर व्यू कैसे बढ़ाते हैं। तो सो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्नो अंतेश, और यदि आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको कॉन्टिन्यू ऐसे फ्यूचर में इस चैनल के जरिए लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको पहले रीज़न के बारे में बताता हूँ कि पहला जो रीज़न है इसमें आपको किस बात का ख्याल रखना होगा। तो फ्रेंड्स, YouTube पर जो 90% क्रिएटर है जिनके वीडियो पर व्यू नहीं मिलते हैं, वे सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि वे YouTube पर जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोडिंग के समय वे अपने जो उनकी वीडियो जो वे शूट कर लेते हैं उसके बाद एडिट करते हैं उसकी वे रीनेम नहीं करते हैं। मतलब अपने डिवाइस में, अपने स्टोरेज में जाकर उस वीडियो को सबसे पहले आपको रीनेम करके उसकी प्रॉपर टाइटल को देना होगा जो कि आप YouTube पर देना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जब YouTube पर आप बिना टाइटल दिए वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ प्रोसेसिंग दिखाई देता होगा। तो ये प्रोसेसिंग आखिर क्यों होती है, ये प्रोसेसिंग YouTube क्यों करता है? क्योंकि उसी टाइटल के जरिए YouTube समझता है कि आपकी जो YouTube वीडियो है किस टॉपिक के रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ये प्रोसेसिंग ऐसे चलता है। और इसी प्रोसेसिंग को एनालाइज करता है YouTube और उसके बाद आपके वीडियो को व्यूअर तक पहुँचाना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप अपने वीडियो को रीनेम ही नहीं करेंगे और वीडियो अपलोड करने के बाद रीनेम करेंगे, जबकि YouTube तो पहले ही प्रोसेसिंग कर चुका है, तो YouTube कैसे समझेगा कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है, उसे किस व्यूअर तक पहुंचाना है? तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर देते हैं। यदि आप भी कुछ इस तरह की गलती करते हैं, वीडियो अपलोडिंग करने से पहले उसकी रीनेम नहीं करते हैं, जो आपका टाइटल है उसे नहीं देते हैं, तो जो आपकी YouTube वीडियो है उस पर व्यू नहीं मिल पाते, क्योंकि YouTube समझ ही नहीं पाता है कि आपकी जो वीडियो टॉपिक है वह क्या चीज पर है, इसलिए वह आपकी वीडियो को अधिक लोगों तक रीच नहीं दे पाता है और आपके वीडियो पर वही 10-15-20 व्यू मिलकर अटक जाते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको दूसरा रीज़न बताता हूँ कि YouTube वीडियो पर यदि आप व्यू बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अब क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, YouTube पर आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, उस टॉपिक को सबसे पहले YouTube पर सर्च करना होगा। और YouTube पर सर्च करने के बाद आप साइड स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आपको YouTube वीडियो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ जितने भी टॉप 10 वीडियो आपको नज़र आएंगे उनकी टाइटल को आपको कॉपी कर लेना है, और टाइटल को कॉपी करके आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है। और उसके बाद जो इस लिस्ट में जो सबसे नंबर वन, मतलब कि जो सबसे टॉप पर वीडियो आपको नजर आएगी, उस वीडियो डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है और उसकी डिस्क्रिप्शन को हूबहू कॉपी कर लेना है। उस डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी कीवर्ड मिलेंगे, जितने भी हैशटैग मिलेंगे, सबको कॉपी कर लेना है और आकर अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप कुछ इस तरह से काम कर लेते अपने वीडियो पर, तो जो YouTube वीडियो पहले से YouTube में रैंक कर रही थी उसके रिगार्डिंग आपकी वीडियो रैंक करने लगती है, और उस वीडियो के सजेशन में आपकी वीडियो नीचे में शो होती है। तो जब आपकी वीडियो किसी भी रैंक वीडियो के सजेशन में चले जाती है तो मैं गारंटी देता हूं कि 100% उस पर व्यू मिलने लगते हैं, क्योंकि अभी आप YouTube पर जितने भी टॉप क्रिएटर को देखेंगे उन सबकी वीडियो एक दूसरे के साथ सजेस्ट करती रहती है। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं YouTube टिप्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, यदि आप मनोज दे के वीडियो देखेंगे तो वो एक बड़े क्रिएटर है, तो उनके वीडियो के सजेशन में और भी कई सारे बड़े क्रिएटर के वीडियो यहां नीचे में आपको शो करती रहती है। अब चलिए मैं आपको तीसरा टेक्निक बताता हूं कि तीसरा टेक्निक आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा टेक्निक है, जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड कर देते हैं, आपने YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन लगा दिया, टैग लगा दिया, उसके बाद आपको अपने मोबाइल में vidIQ या TubeBuddy, ये दो एप्लीकेशन है जो आपके YouTube वीडियो को अच्छे से SEO करने में आपकी मदद करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ आपको vidIQ ऐप के जरिए बताता हूँ कि आप कैसे अपने वीडियो को यहाँ एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियो में आपने अच्छे से SEO कर लिया है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में vidIQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने YouTube अकाउंट को vidIQ एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। और अपने YouTube अकाउंट लॉगिन करने के बाद जब आप अपने किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे तो vidIQ जो एप्लीकेशन है ये आपको सजेस्ट करने लगता है कि आपकी YouTube वीडियो की SEO कितनी है, आपने कौन कौन से टैग यहाँ पर लगाए हैं और इसमें आप कौन कौन से टैग ऐड कर सकते हैं। ये आपकी वीडियो को प्रॉपर एनालाइज करके बता देता है कि आपकी वीडियो में आपने क्या गलती किया है इसमें और आप क्या सुधार कर सकते हैं। तो यदि आप vidIQ
एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी जो यूट्यूब वीडियो है उसकी एसईओ काफ़ी प्रॉपर तरीके से हो जाती है। और जब तक आपकी यूट्यूब वीडियो की एसईओ अच्छे से नहीं होगी, आपकी यूट्यूब वीडियो रैंक नहीं करेगी। यदि आप भीड आईक्यू एप्लीकेशन के जरिए अपने वीडियो स्कोर को 40 या 50 के करीब कर लेते हैं तो इससे आपकी यूट्यूब वीडियो रैंक करने लगती है। सो फ्रेंड्स, यही 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे यदि आप 2022 में फॉलो करते हैं तो आपके यूट्यूब वीडियो पर 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके वीडियो पर व्यू आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मोस्ट जितने भी नए क्रिएटर है वे भीड आईक्यू एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो की स्कोर को काफ़ी अच्छा बनाते हैं और अपने वीडियो को यूट्यूब में रैंक करवा लेते हैं। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो 3 यहाँ पर टेक्निक बताई उसमें सबसे अच्छी टेक्निक आपको कौन सी लगी है। सो यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपकी मदद हुई है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।